हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपका मेरे YouTube चैनल द सन सनी में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वो तीन उपाय हैं जिसके कारण आप घर पर ही नेचुरल तरीके से अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है गिलोय। गिलोय को इम्यून बूस्ट करने का एक रामबाण इलाज माना गया है। भारत के प्राचीन वैद्य आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय का खूब वर्णन किया है। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफी मददगार होते हैं। गिलोय का नियमित रूप से सेवन करने से हमारे शरीर को काफी लाभ पहुंचता है, जैसे कि गिलोय का जूस प्लेटलेट्स को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। डेंगू या चिकनगुनिया होने पे गिलोय का जूस सेवन करने से प्लेटलेट्स काउंट काफी जल्दी बढ़ने लगते हैं। ऐसे लोग जिनको बार बार बुखार होता है, उनके लिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद होती है। गिलोय का जूस सेवन करने से पीलिया बुखार को ठीक करने में काफी मदद मिलती है। ऐसे पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए गिलोय काफी लाभकारी होती है। अब बात करते हैं गिलोय का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। गिलोय का सेवन आप जूस, पाउडर या कैप्सूल के रूप में भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से रोज 1 ग्राम गिलोय का सेवन हम कर सकते हैं। गिलोय का ज्यादा सेवन करना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। छोटे बच्चों को गिलोय नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 5 साल है या 5 साल से अधिक है, तो उनको 250 मिलीग्राम का गिलोय का सेवन कर सकते हैं या गिलोय का जूस दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर है अदरक। अदरक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफी फायदेमंद होते हैं। अदरक में विटामिन के साथ साथ मैग्नीशियम और कॉपर भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अदरक का सेवन हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। अदरक कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अदरक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी असरदार पाया गया है। वजन को कम करने में अदरक का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। अदरक में जिंजरोल नामक एक असरदार पदार्थ होता है, जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। अब बात करते हैं अदरक का इस्तेमाल कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। अदरक को आप अचार बनाकर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आपको अदरक के फायदे मिलेंगे। अदरक को आप चाय में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को सामान्य रूप से 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक अदरक का सेवन रोज किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है आंवला। इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होने के कारण ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आंवला खाने से हमारे शरीर को काफी लाभ होता है। आंवला हमारे शरीर को वायरस से बचाता है। आंवले के रस का सेवन करने से वजन कम होता है। आंवला खून में शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। आंवले के सेवन से हड्डियां मजबूत होती है और आंवला आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। आंवले का सेवन आप जूस, पाउडर या मुरब्बे के रूप में भी कर सकते हैं। आप एक आंवला डेली खाने की आदत डाल लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये तो जाहिर है कि आप ये सब चीजें एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जो भी आपके पास अभी चीज है या जो भी आपको पसंद है, आप उससे शुरू कीजिएगा और 1 महीने तक लगातार वो यूज कीजिएगा। आपको तो फर्क 10 ही दिन में पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।